Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum nazreen. Welcome back to my channel Aisha Health with Beauty. तो दोस्तों कैसे हैं आप, कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। मौसम जब भी करवट लेता है, नजला, जुकाम और फ्लू की तकलीफ घेर लेती है। छींकों के शुरू होते ही नाक बहने लगती है और नजला हलक में भी गिरता है, और ज्यादातर ये तकलीफ सर्दी में देखने को मिलती है। और अभी सर्दी का मौसम भी है तो ये वायरस भी फैला हुआ है। तो आज जो नुस्खा मैं आपको बता रही हूँ वो आपकी नजला जुकाम में फौरी आराम देगा, इसकी मैं आपको गारंटी देती हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप पहले से ही मेरे सब्सक्राइबर हैं तो दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ। तो सबसे पहले आपने लहसुन का एक पीस लेना है, सिर्फ और सिर्फ एक ही पीस आप लेंगे। लहसुन में मौजूद एंटी बैक्टीरियल और एंटी इंफ्लामेटरी खसूसियात नजले के वायरस को फौरी तौर पर खत्म करती है। आपने करना यह है कि लहसुन के एक पीस को पैन में डालकर भूनना है। अच्छी तरह आप इसे भूनेंगे, यहाँ तक कि ये जलकर काला ना हो जाए। जब लहसुन काला हो जाए तो इसे क्रश करें और फिर से हीट दें। अच्छी तरह आपने इसे हीट देनी है, यहाँ तक कि लहसुन अंदर से भी पूरी तरह जल ना जाए। फिर चूल्हा बंद कर दें और इसे किसी बॉल में डालकर इसका पाउडर बना लें। बिल्कुल बारीक पाउडर आपने इसका बनाना है। अब इसमें आपने मामूली सा नमक शामिल करना है। बस अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें, और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें। जब ये मिक्स हो जाए तो इसकी आपने एक से दो चुटकी चाट लेनी है। बस एक से दो चुटकी में ही आप अपने नजला जुकाम में फौरी आराम देखेंगे। कोई से भी मौसम का नजला हो, ये टोटका अपना काम जबरदस्त तरीके से करेगा। जो भी पाउडर बचे आप इसे एक से दो दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, और 8 साल से बड़ी उम्र के हर अफराद के लिए ये बहुत फायदेमंद नुस्खा है। तो दोस्तों यहीं अपने वीडियो का इख्तिताम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलें। चैनल अब इजाजत दें, इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।